हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे सामने। बच्चों में एक आकृति दी गई है, कहा जा रहा है कि ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कहा जा रहा है कि ए कोण हमारा क्या है, समकोण है। ए जो हमारा है वो समकोण है तथा कहा जा रहा है ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी है। ये चीज़ हमें दी गई है बच्चों, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है हमें क्या, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कहा जा रहा है कि कोण ए हमारा जो है वो 90 डिग्री है। एंगल ए 90 डिग्री है और कहा जा रहा है कि ए सी जो है, ए सी वो परपेंडिकुलर क्या है, बी डी। ये चीज़ हमें दी गई है। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों में प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है बच्चों, देखिए जरा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी, बी डी ये क्या है, बी डी है बच्चों। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने थ्योरम 6.6 में प्रूफ कर चुके हैं, थ्योरम 6.6, और इससे रिलेटेड एग्जांपल भी किया है। अगर बच्चों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसे पहले देख लें, कैसे इसे प्रूफ करेंगे और देखते हैं। आसान है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा बच्चों। अब देखिए कैसे इसमें हम कौन से ट्राइंगल ने कैसे जानेंगे, तो जरा देखिए, इधर ए बी स्क्वायर है तो मतलब ए बी इंटू ए बी रहा होगा, और इधर बी सी इंटू सी डी है। तो यहाँ से देख लीजिए, बी सी कहाँ है, ये बी सी है इस वाले ट्राइंगल में, और बी डी ये पूरे ट्राइंगल में, तो मतलब ये ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल लिया गया है। तो इसे हम कैसे लेंगे, तो पहले ए बी सी इस ट्राइंगल में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज ए, अब ए पहले इसमें लगाया बी सी में तो इसमें भी लगाएंगे, त्रिभुज ए बी डी में। अब इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, दोनों में हमें क्या दिया है कि एंगल बी कॉमन मिल रहा है दोनों में, ए बी डी में भी, ए बी सी में भी। बी एंगल क्या है हमें कॉमन है, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी ये क्या है हमारा, कॉमन है, मीन्स उभयनिष्ठ है। कॉमन को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। तो ये हमारा उभयनिष्ठ मिल गया, और हमारे ए बी डी में ए हमारा 90 डिग्री है, और ए बी सी में सी हमारा 90 डिग्री है। तो इसे लिख लेते हैं, एंगल बी सी ए बराबर एंगल बी ए डी, बी ए डी ये हमारे क्या है, दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों क्या है हमारे 90 डिग्री हैं। तो अब हम कह सकते हैं डबल ए समरूपता कसौटी से कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ लिख लेंगे डबल ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी के। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो बच्चों क्या होगा, इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसे कैसे लिखेंगे, अब देखिएगा बहुत ध्यान से। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो साइड लिखे थे ये एंगल वो वाला लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखा था, बी, दोनों एंगल बी सेम है, तो इस ट्राइंगल में ए बी सी में बी के सामने कौन सी साइड है हमारी, ए सी, तो ए सी लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं,
ए सी लिख लिया, ठीक। और इस वाले ट्राइंगल में बी, बी के सामने कौन सी साइड है, ए डी, तो ए डी लिख लेंगे प्लस बराबर। फिर दूसरा हमने लिखा था 90 डिग्री, तो 90 में ये है सी, इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में 90 है, तो इसके सामने कौन सी साइड है इस ट्राइंगल में, ए बी, तो इसमें हमने ए बी लिख लिया अपॉन। अब इसके सामने इस बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी डी में ए के सामने कौन सी साइड है, बी डी, ये, तो बी डी लिख लेंगे, बी डी लिख लिया, ठीक। अब एक साइड बचती है, दो से तो हमने प्रूव कर लिया, जो तीसरी साइड बची उसको लिख लेते हैं। हमने ए सी लिखा, ए सी लिख लिया और ए बी लिख लिया, बचा क्या, बी सी, तो बी सी लिख लेते हैं। और इस वाले ट्राइंगल में क्या बचा, हमने ए डी लिखा, बी डी लिखा और ए बी नहीं लिखा है, तो इसका ए बी लिख लेंगे, ठीक बच्चों, ये लिख लिया हमने। इस तरह से आपको लिखना है, जो एंगल लेंगे लंब के नीचे लंब हो, कर्ण के नीचे कर्ण होनी चाहिए, इस हिसाब से आपको लिखना है। तो अब बच्चों इसमें देखना है कि किसको हमें क्रॉस करने पर ए बी स्क्वायर आ रहा है, तो ए बी स्क्वायर इसमें आ रहा है, तो इसको कट कर देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी स्क्वायर हो गया, बराबर इसका करेंगे तो बी सी इंटू क्या हो जाएगा, बी डी। तो ये हमारा पहला पार्ट बच्चों क्या हुआ, प्रूव हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट बच्चों करते हैं, सेकंड पार्ट भी करेंगे, अब जरा ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है, जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, देखिए ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, ये चीज प्रूव करना है। तो आप देखते हैं बी सी कहाँ है हमारी, ये, और सी डी कहाँ है, ये, तो मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों को हमें लिया गया है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें दोनों ट्राइंगलों में तो ये 90-90 डिग्री मिल रहा है, एक एंगल और ढूंढ लेना है सेम जो मिल जाए। तो क्या करेंगे बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए, अगर ये पूरा एंगल क्या है, ये पूरा 90 है, तो अगर इनकी नंबरिंग कर दें, ये एंगल 1 दे दें, इस एंगल को 2 दे दें, इसको 3 दे दें, ठीक। तो एंगल 2 प्लस 3 ये पूरा कितना है, 90 है, 90 है ना, तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, उत्पत्ति में लिख लें, उत्पत्ति कैसे करते हैं देखो जरा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है, 90 डिग्री, इसको मान लिया इक्वेशन, ये फर्स्ट है भी थोड़ी देर के लिए। अब देखिए ये त्रिभुज ए बी सी में ये 90 है और ये दो एंगल बच रहे हैं, तो इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 90 ही होगा, क्योंकि 180 में अगर ये दोनों एंगल जोड़ के 90 घटा दिया जाएगा तो ये क्या आएगा, 90 के इक्वल ही आएगा। ये दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मान भी 90 होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, 90। अब दोनों इक्वेशनों के आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम होना चाहिए, होगा ही, तो यहां लिख लो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ लिख लो समीकरण 1 व 2 से,
ठीक। अब एंगल टू टू कैंसिल, तो एंगल थ्री इज इक्वल टू क्या आ गया, एंगल वन, एंगल वन थ्री के इक्वल हो जाएगा। तो अब लिख लेते हैं बच्चों, त्रिभुज कौन सा है, एबीसी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ये वाला लिख लेते हैं डीएसी या एसीडी लिख लो, ये कौन सा लिए एबीसी, तो ये लिख लेते हैं एडीसी में। अब दोनों में हमें क्या मिल रहा था, 90 डिग्री कॉमन मिल रहा था, ये बी सी ए, एंगल बी सी ए बराबर हमें क्या मिल गया, ए सी डी, ए सी डी दोनों क्या है हमारे 90 अंश हैं, दोनों 90 अंश हैं, और एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री हम लोगों ने पहले प्रूव कर दिया है, तो उसको लिख देंगे प्रमाणित या प्रूव्ड। तो ये भी डबल एस समरूपता का कसौटी से क्या हुआ, सिमिलर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे डबल ए समरूपता कसौटी से क्या हुआ, हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब हमें इनकी साइड्स का रेशियो भी लिखना है, वो भी इक्वल होता है, जब ट्राइंगल सिमिलर है साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो जरा देखिए, हमने पहले लिखा दोनों 90 डिग्री इक्वल हैं, तो बी सी ए इस ट्राइंगल के नीचे कौन सी साइड है, सामने कर्ण ए बी है, तो इसमें क्या लिख लिया ए बी, और इस ट्राइंगल के सामने कौन सी कर्ण है, ये ए डी, ये राइट एंगल है इसके सामने, और ये राइट एंगल इसके सामने, ये तो इसके सामने क्या है ए डी बराबर, ठीक। दूसरा एंगल वन, वन के सामने कौन सी साइड है ए सी, ए सी लिख दिया, और थ्री के सामने कौन सी साइड है सी डी, तो सी डी लिख दिया, ठीक। अब एक बच रही है साइड, उसको लिख लेना है, अभी तक हमने क्या लिखा, इसमें ए बी लिखा और ए सी लिखा, बचा क्या बी सी, तो बी सी लिख रहे हैं, इसमें क्या बचा हमारा, हम लोगों ने क्या लिखा ए डी लिखा, सी डी लिखा, बचा था ए सी, ए सी लिख दिया। अब इसमें देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ए सी स्क्वायर किस में आ रहा है, ये ए सी बी सी डी सी है, ये है, तो इसको कट कर दो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ए सी ए सी, ए सी स्क्वायर हो गया हमारा, और ये बी सी इंटू सी डी हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो बच्चों हमारे सेकंड फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, अब हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट। तो बच्चों इसको फट से नोट कर लीजिए, फिर करते हैं इसका थर्ड पार्ट, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। बच्चों देखिए थर्ड पार्ट जो प्रूव करना है हमें, थर्ड पार्ट में सेम पहले जैसा है सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। अब बी डी किस में है देखो जरा, पूरे वाले ट्राइंगल में, और सी डी किस में है, इस वाले ट्राइंगल में, तो मतलब पूरा और ये ट्राइंगल लिया गया है, ठीक। तो पूरा हमारा क्या है वो ले लेते हैं, वो ए बी डी है, लिख लेते हैं त्रिभुज पत्ती में लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, हमें दोनों में क्या मिल रहा है, ए सी डी में सी 90 है और इसमें ए, तो एंगल बी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी,
दोनों क्या है हमारे 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। कौन सा बी ए डी ये 90 है और ए सी डी ये 90 है, तो 90 मिल गया। और देखिए जरा ध्यान से, ए सी डी डी बी ए डी डी हमारा एंगल दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ये हमारा कॉमन है। तो ये भी क्या हो गया, डबल ए समरूपता कसौटी से सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डबल ए समरूपता कसौटी से दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी। अब इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 90 लिखा, तो ये है हमारा ए एंगल, ए के सामने कौन सी साइड है, बी डी, तो बी डी लिख लिया। इसके सामने इस वाले ट्राइंगल में 90 के सामने कौन सी साइड है, ए डी, तो ए डी लिख लिया। बराबर फिर कॉमन साइड, ठीक, इसके सामने पूरे वाले ट्राइंगल के ए बी है, तो ए बी लिख दिया। और इस वाले ट्राइंगल में क्या आएगी, ए सी आएगी, तो ए सी लिख देंगे। बराबर ये लिखा। अब बची कौन सी थर्ड साइड है हमारी, बी डी हो गई। देखिए जरा क्या, बी डी हो गई, ए बी हो गई, बची क्या है, ए डी अपॉन, ठीक। अब इस छोटे वाले में क्या हुआ, ए डी कहाँ गई हमारी, ए डी हो गई, ठीक, ए सी हो गई, बची सी डी, सी डी लिख देना। अब इसमें देखो क्रॉस किस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा, ये देखो ए डी इंटू ए डी, इसका कोई काम नहीं, इसको कट कर दो, जो बचा उसे लिख लेते हैं। क्या बचा हमारा, उसे नोट करना है, तो जरा देखिए क्या बचा, बी डी अपॉन ए डी बराबर ए डी अपॉन सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। यही चीज थर्ड पार्ट में हमें बच्चों प्रूव करना था, कितनी आसानी से प्रूव्ड हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अब तक अगर बच्चों वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।